नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। पूर्व निर्धारित धारणाओं को यदि तथ्यों के तराजू पर समय समय पर ना तोला जाए तो ऐसी धारणाएं काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। जैसे टीनेजर्स को लेकर ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि वो बच्चे होते हैं जिनके दिल में बाल सुलभ जिद तो हो सकती है मगर खोट नहीं। ये बात एक हद तक सच भी है, लेकिन जब हम इतिहास के पैमाने पर आज की तारीख में टीनेजर्स के द्वारा किए जाने वाले अपराधों का अवलोकन करते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि आज टीनेजर्स मानव इतिहास के किसी भी दौर की तुलना में बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली, टीनेजर्स की महत्वाकांक्षाएं और उनके परिवारों की इग्नोरेंस का कॉकटेल टीनेजर्स को अपराध की तरफ धकेल रहा है और एक पूरी पीढ़ी उजाले की तलाश में अंधेरों से घिरती जा रही है। जमी से आसमां तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बेटा क्या हुआ आपको? आपको हॉस्पिटल लेके चलूं क्या? नहीं अंकल, वो खाया नहीं था ना इसलिए चक्कर आ गया। ठीक होना भी? हाँ, थैंक यू। सिर्फ कैश रखो अपने पास, बाकी एटीएम आईडी वगैरह सब फेंक दो। ऐसी कोई भी चीज अपने पास मत रखना जिससे पुलिस हम तक पहुंच सके। अबे आज तो बहुत माल हाथ लगा है, तेरे स्कूल की फीस का जुगाड़ हो गया। सिर्फ मेरे स्कूल की फीस की नहीं, तुम्हारे खर्चे का भी जुगाड़ हो चुका है। वो बात तो है। ए बच्चों, पार्टी, इट्स टी टाइम, और टी के साथ केक भी। अरे आंटी, इतना तो इनके घर वाले भी ख्याल नहीं रखते होंगे जितना आप इनका रखती हो। कसम से आप नहीं होती ना तो मैं बाल बाल के मर जाता। मैं चुप कर आंटी, अब पूरे दिन हम लोग के लिए खाना बनाती रहती है, इतना मत परेशान हुआ कीजिए अब हम लोग के लिए। चुप 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 चुप, मुझे तुम लोग सब बता, एक मदर अपने बच्चों को खाना बना के खिलाने में कभी टायर्ड होती है क्या? नहीं ना, तुम लोग और क्या खाओगे? हाँ, क्या 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 क्या? समोसे, मैंने बनाए समोसे, अभी लेके आती हूँ, ले पकड़। मेरा शेयर? हाँ हाँ, तुम्हारे शेयर्स तो सबसे बड़े होने चाहिए, आखिर तुम हमारे बिजनेस मॉडल की सेल्स गर्ल हो। हाँ वो तो है। ये ले, ये। पता है मुझे क्या चाहिए? बहुत रिस्क है उसमें, चुप रहे। रिस्क तो चोरी में भी है, फिर भी कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा रिस्क है उसमें। रिस्क कितना भी बड़ा हो, हम अभी 18 के नीचे हैं, पकड़े भी गए तो जुवेनाइल होम ही तो जाएंगे। जुवेनाइल होम मतलब वही ना, बाल सुधार गृह। हाँ बाल सुधार गृह। देख अभी तुम लोग की चॉइस है, अपनी पूरी जिंदगी ऐसी छोटी मोटी चोरियां करनी है या अपनी जिंदगी शान से जीनी है। जमीन से आसमां तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हौनी, कौन था वो लड़का? अरे पापा, अनुज होगा, अवनी के स्कूल में पढ़ता है, रोज आता है इसे छोड़ने, है ना अवनी? क्यों आता है वो छोड़ने? कौन लगता है तेरा? पापा दोस्त है। ये लड़कों से दोस्ती मेरे घर में नहीं चलेगी, अगले टाइम उसके साथ भी देखा ना तो काट के फेंक दूंगा। अच्छा सुनिए, मैंने कहा था ना आपसे, तन्मय भूल गया होगा पैसा जमा करना, ये देखिए फीस के पैसे। तू चुप कर, जीना हराम करके रखा हुआ तुम दोनों ने, सुधर जाओ।
बेटा बेटा तू बुरा मत मानना हाँ, गुस्से में थे ना तेरे पापा इसलिए। मेरा बाप नहीं है वो। जितने भी टीवी शोज है फिल्म है सब में यही दिखाते हैं कि अगर मोबाइल ना हो तो पुलिस किसी को पकड़ पाएगी और हम इसी मोबाइल के हेल्प से ऐसा प्लान बनाएंगे कि पुलिस हमें जेल क्या बाल सुधा गृह भी नहीं भेज पाएगी। वो सब तो ठीक है पर प्लान क्या है? प्लान का स्टेप वन हमारे दोस्ती के बारे में सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए जितना हम उन्हें बताना चाहे, इसलिए आज से एक दूसरे को सिर्फ एक दो रेगुलर कॉल्स ही करने हैं, बाकी इंटरनेट कॉल्स करने, क्योंकि उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। तो इंटरनेट कॉल्स ही कर लेते हैं ना, नॉर्मल कॉल्स की जरूरत क्या है? नहीं, अगर रेगुलर कॉल्स करना एकदम ही बंद कर दिया तो पुलिस को शक हो सकता है। तो प्लान ये है तो मैं रोजी आंटी को बोल के कल ही घर पे वाईफाई लगवा लेता हूँ और मैं बाकी सामान का इंतजाम कर लूंगा और मैं बाकी सबको मॉनिटर करूंगी। जमीन से आसमान तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मम्मी मम्मी कोई है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी कोई है बाहर, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या हुआ तन्मय? आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए ना आंटी प्लीज। सर घर में तो सब एज इट इज है और कोई सामान वामान भी बिखरा नहीं है, मुझे लगता है कि सुमन अपनी मर्जी से ही भाग गई। सर मम्मी अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी, और अगर गई भी होती तो मुझे बता कर जाती। पड़ोसियों से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। ठीक है सर। तन्मय सब कुछ डिटेल में बताओ। सर परसों रात 9 बजे तक मैंने खाना खा लिया था और फिर मैं अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, फिर मैं सीधा कल दोपहर 1 बजे उठा। मम्मी 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 कहाँ चली गई? मम्मी शायद से फोन भूल गई। परसों रात 9 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक और कल शाम 5 बजे से आज सुबह 7 बजे तक 30 घंटे सोए हो तुम हमेशा इतनी ज्यादा नींद लेते हो क्या? नहीं सर, मैं तो 6-7 घंटे में उठ जाता हूँ, पर पता नहीं कल इतनी नींद कहाँ से आई। परसों रात को खाने में क्या खाया? सर जो मम्मी ने बनाया था वही। त्रुटि किचन में जो खाने हैं सबके सैंपल्स लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। यस सर। सर इनका कहना है कि इन्होंने परसों रात के 10 बजे के आसपास घर में किसी को आते हुए देखा था, बताइए। नहीं सर किसी को नहीं देखा था, आजाद को देखा था, तन्मय के पापा को। आजाद अंकल मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा तो 9 साल पहले ही गुजर गए थे और उनके जाने के बाद मम्मी ने दूसरी शादी आजाद अंकल के साथ कर ली। अभी कहाँ होंगे ये आजाद अंकल? अपने घर पर। अपने घर पर मतलब कोई और घर है उनका?
आजाद अंकल अपनी पहले बीवी उषा आंटी और उनके बच्चे के साथ रहते हैं जीके रोड पर, और वो तो यहाँ पे दो तीन दिनों में सिर्फ एक दो घंटे के लिए आते हैं, और परसों रात वो कब आए मुझे नहीं पता। मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की थी पर उनका फोन बंद आ रहा था। देखिए उषा जी, सिर्फ आपका पति आजाद ही नहीं बल्कि सुमन भी पिछले दो दिन से गायब है। हाँ तो मैं क्या करूँ, आजाद ने मुझे और मेरे बच्चों को धोखा दिया है उस सुमन से शादी करके, और आप ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन दोनों के लिए रोऊं? जाइए आप यहाँ से, आजाद नहीं है यहाँ पे। देखिए आपके पति ने आपके रहते हुए सुमन से दूसरी शादी की है, आपने अभी तक उसकी पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्यों? कानून तोड़ा था ना उसने, अब आपको पता भी चल गया तो जाइए कीजिए उसके ऊपर कार्रवाई, दिलाइए उसे सजा, जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगी उसके खिलाफ गवाही देने। प्लीज आप अभी जाइए यहाँ से। तेरे मामा मामी कब निकल रहे? 3 दिन बाद। ठीक है सर। किचन के रखे खाने में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फ्रिज में रखी मिठाई में हेवी डोज मिली है नींद की दवाई का। और सर, पड़ोसियों का भी कहना है कि फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े होते थे, आजाद का अपनी बीवी सुमन के साथ बिल्कुल नहीं पटता था, आजाद काफी हॉट हेडेड था। सर सिर्फ सुमन ही नहीं, आजाद की अपनी दूसरी बीवी उषा के साथ भी बिल्कुल नहीं बनती थी। उषा ने आजाद के बारे में बात करने से भी मना कर दिया, और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, उसका फोन रात के 3 बजे तक सुमन के घर पर ही एक्टिव था, और उसके बाद उसका फोन तकरीबन 5 बजे के आसपास हाईवे पे बंद हो गया। वैसे मैंने हाईवे पुलिस को अलर्ट कर दिया है, वो लोग उसकी कार को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तन्मय को थाने बुलाओ, और जिस पॉइंट पे आजाद का फोन स्विच ऑफ हुआ था वहां जाके चेक करो। ठीक है सर। शर्म तो तुझ में है ही नहीं, जो मुंह में आता है बोलती जाती है। अरे मुझे क्यों मार रही हो, अपनी लाडली से पूछो ना, हाथ में प्रेगनेंसी किट लेके घूम रही है। क्या बोल रही है? हाँ नहीं आई, मैंने कुछ नहीं किया। दिखाओ अग्नि, दिखा। नहीं दिखती। दिखा दिखती। ये देखिए कैसी हरकतें कर रही है आपकी लाडली। आई मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा नहीं है। पेट से तू बता, उस अनुज के साथ मिलकर किया ना सतू ने? हाँ? अरे तेरे पापा को पता चला ना तो तुम्हारे सब हम सबको भी मार डालेंगे। मेरे खानदान का नाम बर्बाद कर दिया इस लड़के ने। अरे आई आप टेंशन मत लो, और प्लीज बाबा को कुछ मत बोलना, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। इन दोनों को कभी इस एरिया में देखा है? सर इन दोनों को तो नहीं देखा, लेकिन सुबह सुबह 2 दिन पहले यहीं पर ये सफ़ेद रंग की सेम ऐसे ही गाड़ी देखी थी। कहाँ देखी थी? सर इस रास्ते से जा रही थी। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, नंबर तो ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू। तृप्ति कुछ बताया उन लोगों ने? इसका कहना था कि इसने 2 दिन पहले यहाँ पे एक कार को देखा था, और मार्केट जाने का केवल एक यही रास्ता है। एक काम करो, वहाँ दुकानों का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद किसी फुटेज में आजाद की कार जरूर कैप्चर हुई होगी। हाँ सर, वो मिठाई आजाद अंकल ही लाए थे और वो मैंने खाई थी। तन्मय उस मिठाई में नींद की दवा मिलाई गई थी ताकि तुम गहरी नींद सो जाओ, इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो तुम्हारी मम्मी अपनी मर्जी से आजाद अंकल के साथ कहीं चली गई है, या फिर आजाद अंकल ने उनको किडनैप कर लिया। अगर तुम ऐसा कुछ भी जानते हो जो तुम हमें नहीं बता रहे हो तो यही वक्त है बता दो, क्योंकि जितना जल्दी तुम सच बताओगे उतना जल्दी हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढ पाएंगे। ये किसने किया? आजाद अंकल मुझे बहुत मारते थे, मम्मी मुझे बचाने के लिए आती थी पर आजाद अंकल उनके साथ भी मारपीट कर देते थे। सर कहीं इसीलिए आजाद अंकल ने मेरी मम्मी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? तन्मय तुम घर जाओ, जैसे कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। और चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी को हम ढूंढ निकालेंगे। जाओ संभाल के जाना। ये तुम्हारे लिए। हाँ ये क्या कर रहे हो?
इतने पैसे उसको क्यों दे रही? तो आप अपने एटीएम कार्ड दे दीजिए, जितनी जरूरत होगा निकालेगा। हम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ जरूरत लग गई तो कहाँ से लेगा? ले बेटा रख ले और ध्यान रखना अपना। अनुज ठीक से रहना, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, नहीं तो पड़ोसी मुझे बार बार फोन करते रहेंगे, समझे? जी मैम। मुझे अब चलो भी। हाँ अनुज अपना ध्यान रखना। हाँ चलो बाय। रोजी आंटी ने तुम लोग को निकलते तो नहीं देखा रूम से? नहीं नहीं ये वक्त उनके सोने का, और उनके हिसाब से हम लोग अभी मेरे रूम में। हमारे फोन भी वही पड़े हैं। अवनी तू रूम पर पहुंचेगी तो मेरा और ऋषि का फोन मिलेगा तुम्हें, मगर रोजी आंटी का जगने से पहले तुम्हें वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। ओके अनुज तुम अपना सेल फोन ऑफ मत होने देना, सब अपनी अपनी घड़ियां मिला लो। अब एग्जैक्ट 1 बज रहे, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। परफेक्ट 2 बजे तू मेरे फोन पर कॉल करेगा अवनी को, और अवनी फोन उठाकर एटलीस्ट 20 सेकंड तक मुझसे बात करना। हेलो अवनी, हाँ इधर सब ठीक है, तुमने उधर पहुंच गए? हाँ तुम्हारे फोन आने के 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे मैं ऋषि के फोन से तुम्हें वापस फोन करूंगी रोजी आंटी के घर आने के लिए। हेलो मैं बस निकल रहा हूँ, और मैं एग्जैक्ट 3:30 बजे यहाँ से निकल कर 4 बजे तक रोजी आंटी के घर पहुँच जाऊँगा। तब तक रोजी आंटी उठ भी चुकी होंगी और वो मुझे रूम में आते हुए देख भी लेंगी। रोजी आंटी आपके हाथ की चाय पीने की तलब लगी है, तो रूम में जा मैं लेके आती हूँ। ठीक है। हाय आंटी। हाय। थैंक यू। वेलकम माय चाइल्ड। और गाइस सेल फोन लोकेशन और कॉल्स बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर, और अगर हमने ये सब बिना किसी फॉल्ट के कर लिया तो पुलिस हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और इनकेस अगर पुलिस हम तक पहुंची तो रोजी आंटी है ना हमारी आई विटनेस, वो कह देंगे कि हम उनके ही घर पर थे। तो फिर तुम दोनों निकलो वरना मामा मामी दूर निकल जाएंगे। जमीन से आसमान तक उड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ए वो रहे मामा मामी की गाड़ी, पर गाड़ी अब मत रुकना, भटवाड़ी आने तो फिर रुकते। नमस्कार मामा। नमस्कार नमस्कार। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे मामा वो बगल में एक रिश्तेदार की जमीन थी, बिकवाने आए थे, एक पार्टी थी, पर बात ही नहीं बनी। मामा आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हो ना, एक बार देखिए ना, और अगर कोई पार्टी हुई तो बताइएगा जरूर। नहीं नहीं अभी तो मैं तुम्हारे मामी। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बस 10 मिनट लगेंगे। अरे लेकिन मैं तुम्हारे मामी के साथ शिरडी जा रहा हूँ अभी। बस 10 मिनट मामा प्लीज। क्या करे चलो चलो। और नमक और सामान लेके आ सकते। ऋषि एक काम कर, ये सब सामान और वो कार पिछले वाले तालाब में जाके डंप करके आ जा, और तू मुझे एग्जैक्ट 5 बजे हाईवे पर मिल। तब तक मैं अपनी कार हाईवे से आगे ले जाकर वापस ले आता हूँ, जिससे कि पुलिस अगर हमें सीसीटीवी से ट्रैक करने की कोशिश करे तो हमारा रूट मामा की कार से मैच नहीं होगा। ठीक है? ठीक है मैं आता हूँ। एक प्रॉब्लम हो गया, मामा की कार नहीं डंप हो पाई। मैं गया था वहां पे, कुछ लेबर्स आ गए, अगर मैं तब जाता तो वो पहचान लेते यार। यार ये तो इशू हो गया यार। तो क्या करना है, चलना है वापस? अब 5 बज रहे, अगर इस वक्त कार को डंप करने के चक्कर में पड़ गए ना तो फिर तेरे रूम पर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, और ये रिस्क हम नहीं ले सकते। मैं
डिनर बनाने जा रही हूँ। स्पेशल रिक्वायरमेंट? हाउनी? नहीं आंटी। हे तन्वय, तू यही डिनर करके जाएगा? नहीं आंटी, मैं घर जाके बना लूंगा। व्हाई माय डियर सन, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी डिनर। सब कॉल वॉल तो हमने कर लिया, पर तुम लोग गाड़ी नहीं डंप कर पाए। प्रॉब्लम में फंस गए। प्रॉब्लम में तब फंसेंगे जब हम पुलिस से भागने की कोशिश करेंगे, और हम भागेंगे ही नहीं बल्कि पुलिस को भगाएंगे। अरे बोला ना नहीं फंसेंगे, फिर भी मुंह लटका रखा है दोनों ने। जी वो मुझे पता करना था कि यहाँ पे। अरे मैडम क्या पता करना है, जल्दी बोलो ना, सारा दिन थोड़ी ना मेरे पास, और भी काम होते हैं मुझे। जी वो यहाँ पर अबॉर्शन होता है क्या? सर रात होने की वजह से फुटेज साफ नहीं है, लेकिन इसमें आजाद की कार कैप्चर जरूर हुई है, ये देखिए। शिरके मार्केट से जाते हुए गाड़ी में दो लोग, एक आदमी और एक औरत, लेकिन वापसी में पैसेंजर सीट खाली है, मतलब आजाद सुमन को डंप करने वहां गया। सर तन्मय आया है। सर मेरे मम्मी का कुछ पता चला, 5 दिन हुए उन्हें गए हुए। तन्मय तुम्हारी मम्मी को ही ढूंढ रहे हैं हम, चिंता मत करो, घर जाओ ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। सोचिए ये बच्चे अभी 18 साल के भी नहीं हुए थे, मगर उन्होंने एक बेहद शातिर योजना बनाकर अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्याएं कर दी थी। एक ऐसी योजना जिसमें उन्होंने वर्तमान में ही पुलिस के द्वारा भविष्य में उठाए जा सकने वाले हर संभावित कदम का ख्याल रखकर एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही केशव और मालती के परफेक्ट मर्डर में एक इम्परफेक्शन रह गया था। वो थी केशव की कार, जिसे तन्मय और ऋषि ठिकाने नहीं लगा पाए थे, और आखिर में ये कार और कार में पड़े केशव के दस्तावेज ही पुलिस के लिए केशव और मालती की डेड बॉडी तक पहुंचने का जरिया बने। मामी सर, केशव और मालती की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत 11 तारीख को हुई है, यानी कि 7 दिन पहले, जिस दिन वो अपने घर से निकले थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई शिरके, अगर केशव को मारने की प्लानिंग इतनी तगड़ी की थी तो उसकी गाड़ी वहाँ क्यों छोड़ दी? क्योंकि अगर वो गाड़ी वहाँ नहीं होती तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि वहाँ लाशें दफनाई हैं। सर अनुज, सर केशव मामा प्रॉपर्टी का काम करते थे, मम्मी पापा की डेथ के बाद से मामा मामी के साथ ही रहता था। बेटा तुम्हारे मामा मामी भटवाड़ी में क्या कर रहे थे? सर मामा मामी तो शिरडी के लिए निकले थे, वहाँ भटवाड़ी में क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। पिछले हफ्ते निकले थे घर से वो शिरडी जाने के लिए, जब इतने दिनों में तुम्हारी उनसे कोई बात नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई तुम्हें? सर मामी 10,000 रुपये दे के गई थी, तो मैं समझ गया था कि लंबा टूर होगा, इसलिए मुझे कुछ ऑड नहीं लगा जब मामा मामी ने कॉल नहीं किया। बेटा लेकिन अब अपने घर वालों से हम 2-4 दिन में एक बार बात तो करते हैं ना, तुमने एक भी फोन नहीं किया।
क्या बताऊं सर आपको, मामा से मेरी इतनी बातचीत होती नहीं थी कि मैं उन्हें फोन करूं, और मामी तो फोन ही नहीं रखती थी। किसी से कोई दुश्मनी थी उनकी? हाँ तक मुझे पता है सर, मामा मामी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। चलो, आजकल की जनरेशन बहुत बेफिक्री हो गई है। इतने दिनों में एक बार भी बात नहीं की उसने अपने घर वालों से। जरा इस लड़की की डिटेल्स भी निकालो, मुझे इसकी बातें हजम नहीं हो रही। यार वो पुलिस वाले थाने में बैठाकर सवाल पूछ रहे थे। अरे तू इतने जल्दी पैनिक क्यों कर रहा है? अकेले हमारा केस थोड़ी ना है पुलिस वालों के पास। 75 केस होंगे थाने में और एक दो और आ जाएंगे और फिर वो अपने केस के बारे में भूल ही जाएंगे। अच्छा तुम लोग मेरा काम करने वाले हो कि नहीं करने? करेंगे लेकिन थोड़ा रुक कर। और मेरा काम? भाई तेरा काम तो सबसे पहले करेंगे। क्यों अनुज? रोजी आंटी को उनके ही गार्डन में दफनाने के लिए कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा 2 घंटा। देख दफनाने को तो 20 मिनट में दफना देंगे, मगर ऋषि तू सोच ले, घटिया ही सही लेकिन टाइम टू टाइम चाय तो पिलाती है। अरे और केक भी खिलाती है। अबे एक बार बुढ़िया की प्रॉपर्टी हाथ लग जाना फिर माँ कसम ऐसा होटल खोलूंगा ना, फिर तुम लोग पीते रहना चाय कॉफी जूस जो पीना है तुम लोग को। भाई अनुज के पास तो उसके मामा का बिजनेस है करने को, और रवनी तो शादी वादी करके अपने पति के साथ चली जाएगी। बच्चा अब मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने को। ए ऋषि तू मुझे अपना पार्टनर बनाएगा क्या अपने होटल पर? दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन ये अपनी कहीं शादी के बाद अपने पति को बोल बोल ना दे, सालों बाद भी डाल देते पुलिस वाले जेल में। अभी जल्दी बैठो। जमीन से आसमान तक उड़ना है ना, या फिर ख्याल ही छोड़ दिया? Are you sure? Yes, sir. On 13 August, Anuj was here. उसका दोस्त ऋषि मेरे पास रेंट पे रहता है, वो उससे ही मिलने आया था। आपके आज की चाय पीने के तलब लगी है तो रूम में जा, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। सर केशव और मालती के मर्डर वाले दिन अनुज यहाँ शिवाजी नगर में अपने दोस्त ऋषि के घर था, ऋषि के मकान मालिक ने कंफर्म किया है सर। ठीक है। सर एक लड़की की लाश मिली है। सर ये पर्स मिला है। अरे सर पर्स के अंदर ये आईडी भी। अभी तक इसकी बॉडी भी स्टिफ नहीं हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसकी डेथ को। सर दीप्ति की पीएम रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग है। मिस्टर विश्वास आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन हमारे पास दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले दीप्ति ने अबॉर्शन करवाया था। आप बता सकते हैं कि उसके होने वाले बच्चे का पिता कौन होगा? अवनी तुम जानती हो इस बारे में? मैं दीप्ति के प्रेगनेंसी के बारे में तो कुछ नहीं जानती, मगर उसके कॉलेज में एक लड़का था रजत, वो शायद उसका बॉयफ्रेंड था। दीप्ति इनसे पता करो रजत कहाँ रहता है और उसको लेके आओ। शिरके उस महान डॉक्टर का पता करो जिसने ये अबॉर्शन करवाया। मैंने नहीं मारा दीप्ति को, मारना भी होता तो तुम लोग से छुपाती क्यों मैं, और इस तरह क्यों मारती ताकि पुलिस को उसकी लाश 2 घंटे में मिल जाए? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? हाँ किसने मारा? मैंने मारा दीप्ति को। क्यों? अवनी के पीछे पड़ी हुई थी वो और मैं नहीं देख पा रहा था तुम्हें सफर करते हुए। अरे तुम लोग फालतू में टेंशन मत लो, पुलिस हमारे पीछे नहीं आएगी, वो दीप्ति के बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई है। और जब उसका बॉयफ्रेंड बोलेगा कि उसने नहीं मारा दीप्ति को तो पुलिस ढूंढना बंद कर देगी क्या? 2 घंटे 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठेगी ना, सब वक्त होगी। अबे ढंग से बात कर अवनी से, बोला ना उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने मारा दीप्ति को। अरे प्यार में अंधे, इस अवनी ने एक भी खून नहीं किया है। खून मैंने, तूने और तन्मय ने किया है। बेटा याद रख मैं और तन्मय 17-17 साल के हैं, एक एक साल में बाहर आ जाएंगे जुलाइन होम से, लेकिन तू 16 साल का है, 2 मर्डर किया है,
दो साल के लिए अंदर रहेगा, समझ आ रही है बात? अनुज को जो करना था उसने कर दिया ऋषि, अब उससे लड़ने से क्या फायदा? मैंने प्लानिंग की थी ना, किसी को कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा है ना तुम लोगों को? देखिए मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए। सर, दीप्ति का बॉयफ्रेंड रजत कल रात से ही गायब है, ये रहे दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, दीप्ति ने लास्ट फोन रजत को ही किया था कल सुबह 11 बजे, उसके एक घंटे बाद दोनों की सेलफोन लोकेशंस एक ही थी जहाँ पर दीप्ति की बॉडी मिली थी। और सर, कॉल रिकॉर्ड्स में एक और चीज़ सामने आई है, ये कुछ 10 दिन पहले तक दीप्ति ये डॉक्टर आदर्श के कॉन्टैक्ट में थी, शायद इसी डॉक्टर ने दीप्ति का अबॉर्शन किया हो। इन्हें तो जानते हैं ना शिरके, डॉक्टर साहब पे कार्रवाई की तैयारी करो, और डॉक्टर साहब आप जेल जाने की तैयारी कीजिए, नाबालिग लड़कियों के अबॉर्शन के जुर्म में। अपना क्लिनिक, प्रैक्टिस, ये सब भूल जाइए आप। अरे सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बालिग है या नाबालिग है? सर, ये लड़की इस लड़के को लेकर आई थी मेरे क्लिनिक पास सर, और सर्टिफिकेट के साथ आई थी सर। दीप्ति, तुम बालिग हो ना? सर, ये कैसा सवाल है, ये है ना दीप्ति के सर्टिफिकेट। और सर, ये मैरिज सर्टिफिकेट। सर, सर्टिफिकेट तो मेरे क्लिनिक पर है, अब मेरे पास फोटो है सर, ये आप देख लीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, जो भी कुछ किया इन दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया सर। शिरके, अगर रजत फर्जी सर्टिफिकेट बनवा सकता है तो दीप्ति से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जल्द से जल्द इस रजत को ढूंढो। ठीक है सर। हाँ तृप्ति, कहाँ पे? आनंद, गाड़ी उठन लो। सर, सुमन की सर्च में एरिया कोम करते हुए डॉग स्क्वाड हमें यहाँ लेके आया। जमीन का ये हिस्सा देखिए सर, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ गाड़ा हुआ है। खुद हुआ उसको। एक मिनट रुक जाओ। सर, ये तो नमक है, जरा और खोदो। सर, ये तो लड़की की बॉडी है, शायद सुमन की डेड बॉडी होगी। और खोदो। ये तो आजाद है, अभी तक तो हम इसे कल्पित मान के चल रहे थे, लेकिन अभी खुद विक्टिम है। सिर भी नहीं शिरके, सेम इसी तरह से अनुज के मामा मामे केशव और मालती को एक गड्ढे में नमक डाल के एक साथ ही दफना है। तन्मय, अनुज, ऋषि और अवनी ने अपने द्वारा की गई हत्याओं को छुपाने के लिए अपनी सारी शातिर बुद्धि लगा दी थी, मगर अब नमक ही इन दो मामलों के बीच का पुल बन गया था। और जब पुलिस ने अनुज के मामा मामी यानी केशव मालती और तन्मय की माँ सुमन और आजाद के मामले को एक दूसरे से जोड़कर अपनी जांच की, तो कुछ सिरे ऐसे थे जो अपने आप ही पुलिस की पकड़ में आ गए। तुम तीनों दोस्त हो और तुम तीनों के घर में ट्रेजेडी हुई है, वो भी एक महीने के अंदर। किसी के भी मन में ये बात आएगी कि तीनों हादसों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। पर सर, क्या कनेक्शन है? तुम बताओ क्या कनेक्शन है, ऐसा कुछ है जो तुमने नहीं बताया? तन्मय और अनुज, क्या बात है? सर, अवनी की बहन दीप्ति के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मम्मी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे एक छोटी जमीन खरीदने के लिए, इसलिए मैंने उन्हें केशव मामा से मिलवाया था। हाँ सर, मामा आंटी की हेल्प कर रहे थे वो प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन सर, मेरी बहन दीप्ति ना तो कभी तन्मय की मम्मी से और ना ही कभी अनुज के मामा मामी से मिली है, तो फिर उसका मर्डर किसने किया और क्यों किया? इन दोनों केसेस में इतनी सिमिलरिटीज हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का एंगल भी। एक काम करो सर, ये प्रॉपर्टी वाला एंगल क्या है जरा चेक करो, और रजत की कोई खबर नहीं है, वो कहाँ है? सर, हम उसे ढूंढ रहे हैं, जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। तृप्ति, दीप्ति की फैमिली को इन्वेस्टिगेट करो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनको दीप्ति के इस चक्कर के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने ही दीप्ति को मार दिया। ठीक है सर। भाई देख, ओए, इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे, रोजी आंटी के लॉकर में जितने पैसे उन सबको लेके यहाँ से भाग जाते हैं, प्लीज। एक बार भागे ना तो जिंदगी भर भागते रह जाएंगे। अरे तू सही तो कह रही है अवनी, और वैसे भी हम लोग जुवेनाइल है, 18 साल से कम उम्र है हमारी, तो ना ही पुलिस हमें मार सकती है और ना ही हमें जेल में रख सकती है।
रेस्ट जेल। सर मैंने केशव के ऑफिस में इंक्वायरी की। केशव सुमन को जमीन खरीदने में मदद कर रहा था और केशव ने सुमन को बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाई भी थी। कोई प्रॉपर्टी विवाद वगैरह में है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया है। सर मैंने इस केस से रिलेटेड सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सुमन और आजाद के गायब होने वाली रात तन्मय की लोकेशन अपने घर की थी, जबकि अनुज और अवनी अपने घर में, और मालती और केशव के मर्डर वाले दिन तीनों अनुज, अवनी और तन्मय अपने दोस्त ऋषि के घर में थे शिवाजी नगर में। और दीप्ति के मर्डर वाले दिन की लोकेशन? सर सबकी सेम ही है। इनफैक्ट मैंने दीप्ति के पेरेंट्स की भी लोकेशन चेक की। दीप्ति के फादर उसके ऑफिस में थे और माँ उसके घर पे थी। और सर इनके फ़ोन पे भी लगातार कॉल्स आ रहे थे, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से कोई भी अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गया था। जब सब कुछ क्लियर है तो हमसे क्या छूट रहा है, खासकर दीप्ति के मर्डर केस में? दीप्ति को मारने का तरीका औरों से अलग क्यों? सर लॉर्ड देशपांडे साहब वाले आपको मिलना चाहते हैं। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है। अगली बार अगर आपको मेरे क्लाइंट्स अनुज सिदोई और तन्मय गावड़े से बात करनी हो तो पहले आप मुझे इन्फॉर्म करें। मेरे दोनों क्लाइंट्स ऑर्फन हैं और माइनर भी। एक तो पहले ही वो अपने रिलेटिव्स के अनटाइमली डेथ के सदमे से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए कोर्ट का ऑर्डर इशू करवाया मैंने। शिरके इन केसेस को रिविजिट करो। इन बच्चों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन केसेस के साथ, वरना इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हूँ। नज़र रखो इन पर। सर भटवाड़ी के खंडर की तरफ जाने वाले रास्ते पे कहीं भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन सर उस रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर दूर 2 सीसीटीवी कैमरे हैं और उन दोनों का बीच का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है। ये पहले कैमरे की फुटेज है सर, ये देखिए, और 2 घंटे बाद ये दूसरे कैमरे का फुटेज देखिए सर। इसमें केशव की कार गायब हो गई लेकिन वो दूसरी कार पास हुई है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इस गाड़ी को 2 घंटे लग गए। शिरके इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो। तृप्ति तुम्हारे लिए एक काम है सर, एक मिठाई वाले का पता करना है। जी मैडम, मैं जानता हूँ इसको, रेगुलर कस्टमर है मेरा, अक्सर आता है दुकान पे। सर जो सीसीटीवी फुटेज में दूसरी कार दिखी थी वो एसडी गैरेज में बनने के लिए गई थी। वो गैरेज का जो मैकेनिक है वो अनुज का दोस्त है, इसी वजह से 13 तारीख को वो वहाँ से कार लेके गया था। और सर मिठाई वाले ने तन्मय को पहचान लिया है, मिठाई लेने तन्मय गया था आजाद में। गाड़ी पीछे से देखो। सर उधर से भाग रहे। आप ठीक तो है ना? मैं इन बच्चों को बहुत प्यार करती थी, फिर मुझे क्यों मारना चाहते थे? वो आपके पैसे लूट के आपको मारने वाले थे। क्या पैसे के लिए? क्या सोचते तुम लोग, ये टीवी और फिल्मों में जो आता है वो देख के तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली? क्या सोचा कभी पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी? इस देश के कानून के हिसाब से तुम लोग जुए ना लो, ये अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हें फांसी की सजा नहीं हो सकती, जबकि होनी चाहिए उससे भी बड़ी। अवनी क्या मिला दीप्ति को मारकर? जीना हराम कर दिया था उसने मेरा, दिन रात बस चिक चिक करती रहती थी, और आई बाबा भी बस उसी की बातें सुनते थे, इसलिए मार डाला। तो उसको मारने का तरीका अलग क्यों? हमें गुमराह करने के लिए? नहीं, दीप्ति को अभी मारने का कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन अनुज ने ही जल्दी कर दी। सर मैंने नहीं मारा दीप्ति को, मैंने तो खाली अवनी की नज़र में अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए वो मर्डर का क्रेडिट लिया था, ताकि उसे लगे मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर हमने रजत को अरेस्ट कर लिया उसके दोस्त के घर से। दीप्ति की प्रेगनेंसी तो अबॉर्ट करवाई दी थी, मारा क्यों उसे? सर मैंने नहीं मारा दीप्ति को, और ये फर्जी सर्टिफिकेट का आइडिया भी मेरा नहीं था सर। किसका आइडिया था? जी जी सर, रजत और दीप्ति मेरे पास आए थे अबॉर्शन के लिए। यहाँ पर अबॉर्शन होता है क्या? मैंने उनसे 20,000 रुपये लेके दीप्ति के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए, जिससे डॉक्टर साहब को धोखा खा गए और उन्होंने दीप्ति का अबॉर्शन कर दिया। मारा क्यों उसे? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे, लेकिन मुझे पूरा अंदाज आया कि किसने मारा है। किसने? ये सर मैंने मारा सर। फेक सर्टिफिकेट उस लड़की ने बनवाया, इलीगल अबॉर्शन कराया, और जब अबॉर्शन कर दिया सर, उसने कहा कि
मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। तुम नाबालिग बच्चों के इनलीगल अबॉर्शन करते हो। मैं 2 लाख रुपया पहले ही दे चुका था उसको। कब तक ब्लैकमेल होता रहा सर? दीप्ति तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। दीप्ति मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, मत करे। सर ये देखिए, वो लड़की दीप्ति अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देके गई है और धमकी दे रही थी कि अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो पुलिस में बोल देगी। दीप्ति को तो आइडिया भी नहीं था कि तुम्हारा ये कंपाउंडर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। डॉक्टर इसलिए बने थे लोगों को जिंदगी देने के लिए, या इस तरह इल्लीगल अबॉर्शन करके जिंदगियां छीनने के लिए? अगर एक बार तुमने दीप्ति से बात कर ली होती तो उसे जान नहीं गंवानी पड़ती। इंसान को प्रकृति ने ना चिड़िया की जैसे उड़ने की ताकत दी है, ना ही मछली के जैसी पानी में तैरने की क्षमता, मगर इंसानी दिमाग के रूप में एक ऐसी दोधारी तलवार दी है कि इसकी अच्छाई किस्मत बना सकती है तो बुराई बनी बनाई किस्मत बिगाड़ भी सकती है। तन्मय, अनुज, ऋषि और अवनि ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पुलिस को धोखा देने और पुलिस से ज्यादा स्मार्ट बनने की बहुत कोशिश की, मगर अंत में जो उनके साथ हुआ वो एक सबक है कि महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, मगर जब कोई महत्वाकांक्षा हमें अपराध की तरफ ले जाने लगे तो अपने पैर वापस खींचने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, वरना हर्ष तन्मय, अनुज, ऋषि और अवनि के जैसा ही हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।